नमस्कार दोस्तों, आज अपन पढ़ेंगे डीसी जनरेटर के अगले पार्ट में स्व उत्तेजित जनित्र के बारे में। लेकिन उससे पहले मैं बता दूं कि यदि ये मेरा वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक ज़रूर करें और जो वीडियो के नीचे लाल कलर में सब्सक्राइब बटन है उसको दबाकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। स्व उत्तेजित जनित्र, स्व उत्तेजित जनित्र मैंने कल बताया था तीन प्रकार के होते हैं। नंबर एक आता है संट जनित्र, नंबर दो आता है श्रेणी जनित्र और नंबर तीन आता है यौगिक जनित्र। सबसे पहले तीन प्रकार के स्व उत्तेजी जनित्र हैं, संट जनित्र, श्रेणी जनित्र और यौगिक जनित्र। सबसे पहले अपन पढ़ेंगे संट जनित्र के बारे में। पहले तो ये चीज समझ लेते हैं कि इनको स्व उत्तेजित क्यों कहते हैं। स्व उत्तेजित इसलिए कहते हैं ये इसका डायग्राम है। स्व उत्तेजित इसलिए कहते हैं कि इनकी फील्ड जो होती है उसको उत्तेजित करने की जरूरत नहीं होती है, ये अपने आर्मेचर के द्वारा उत्पन्न वोल्टेज से ही श्रेणी फील्ड है वो उत्तेजित होती है, इसलिए इसको स्व उत्तेजित जनित्र कहते हैं। अब संट जनित्र, श्रेणी जनित्र और यौगिक जनित्र तीन अलग अलग जनित्र बनाए तो इसका मतलब है कि इनका उपयोग भी अलग अलग प्रकार से होता है। सबसे पहले संट जनित्र की फील्ड वाइंडिंग है उसके बारे में अपन चर्चा करेंगे। जो संट फील्ड है वो हमेशा पतले तार और अधिक टर्न की बनाई जाती है। टर्न होते हैं वो अधिक होते हैं, मतलब वाइंडिंग में टर्न होंगे वो अधिक होंगे और तार होगा वो पतला होगा। मान लो कि आपको ट्रांसफार्मर की लीड में से चार तार बाहर आ रहे हैं। अब अपने वो कहे कि भाई टर्मिनल देख के बताइए ये संट जनित्र है या श्रेणी जनित्र है या यौगिक जनित्र है। यौगिक में छह आ जाते हैं संट और श्रेणी, और इनमें अपन कैसे पता करेंगे कि मान लो अपन ने बिना चेक किए पूछ ले कि भाई ये कौन सा जनित्र है, तो भाई यदि पतले दो तार आवे इसका मतलब है कि जो इसकी वाइंडिंग है वो संट फील्ड की वाइंडिंग है। एक तो ये हो गया। दूसरी बात, यदि मशीन को अपन बाहर निकाल ले तो इसकी फील्ड पर है वो अधिक टर्न रहेंगे, उससे भी अपन पहचान सकते हैं भाई ये संट फील्ड है। दूसरा, यदि अपन अपने को मल्टीमीटर दे दें और अपने को कहे भाई इसका प्रतिरोध माप के बताओ इसका कितना प्रतिरोध है, प्रतिरोध से अपन भी मालूम कर सकते हैं क्योंकि संट फील्ड का जो प्रतिरोध होता है वो अधिक होता है। जैसे अपन यहां प्रतिरोध लगाएंगे, आर्मेचर का प्रतिरोध हमेशा बहुत ही कम होता है, जैसे 0.01 या 0.02 या जो संट फील्ड होती है उसका दो तरीके से अपन ने इसकी भाई, तो पहला तो पतले तार से अपन पहचान कर लेंगे, दूसरा अधिक टर्नों से यदि मशीन को खुली हुई है, तीसरा यदि अपने को मल्टीमीटर या टेस्ट लैंप दे तो भी अपन पहचान कर सकते हैं कि भाई ये सिरे आर्मेचर के हैं और ये संट फील्ड के। कैसे करेंगे, मान लो टेस्ट लैंप को इसके दोनों सिरों पर अपन ने लगा दिया, कौन से सीरीज टेस्ट लैंप से ही अपन चेक करने हैं, यह नहीं कि आप पैरेलल में डाल दो। हमेशा ये चीज़ तो अपन सीख ही गए हैं कि भाई जो भी होता है उसको अपन चेक करने के लिए टेस्ट लैंप को हमेशा सीरीज में जोड़ते हैं, जबकि जो टेस्ट लैंप है वो हमेशा अपना क्या रहेगा सीरीज में जुड़ा हुआ रहेगा। अब मान लो कि अपन लगावे संट फील्ड के ऊपर टेस्ट लैंप को अपन लगा रहे हैं तो क्या अपने को बताएगा, तो हमेशा टेस्ट लैंप से यदि इसको चेक करेंगे तो केवल टर्मिनल पर स्पार्किंग है। जो ट्रांस जनरेटर के जिन टर्मिनल पर अपन लगाएंगे
तो केवल स्पार्किंग होगी, इसका मतलब है कि वो संट फील्ड है। कभी कभी ये भी हो जाता है कि लैंप बहुत ही कम जलता है, उसका कारण मैं बता देता हूँ कि भाई क्वेश्चन ये भी कह देता है कि भाई संट फील्ड में जल भी रहा है, तो जो कम मान कम किलोवाट की, जो कल मैंने बताया था कि जनरेटर की जो रेटिंग होती है वो किस में होती है, के डब्ल्यू में होती है। यदि कम के डब्ल्यू जीरो जैसे 0.5 के डब्ल्यू या 0.100 के डब्ल्यू, जो जनरेटर छोटी कैपेसिटी के बने हुए हैं उनकी संट फील्ड में हो सकता है लैंप जल भी जाए। लेकिन अपन किससे एग्जैक्ट मालूम कर सकते हैं, तो वो है मल्टीमीटर। मल्टीमीटर से अपन एग्जैक्ट मालूम कर लेंगे, क्योंकि हमेशा संट फील्ड का प्रतिरोध होता है वो ज़्यादा होता है, आर्मेचर का प्रतिरोध होता है वो कम होता है। ये तो हो गई अपने फील्ड की पहचान। यदि अपन को चित्र बना के देवें कि बताइए ये फील्ड कौन सी है, तो अपन कैसे पहचानेंगे? मान लो कि चित्र बना के ही अपने को दे देवें, तो अपन आर्मेचर को किस टर्मिनल से पहचानते हैं? A1 A2 से। पृथक उत्तेजित जनरेटर था उसमें कल मैंने बता दिया था आपको, उसमें F1 F2 से प्रदर्शित करते हैं, जबकि संट फील्ड होती है उसको E1 E2 से प्रदर्शित करते हैं। मतलब चित्र से भी अपन देख के बता सकते हैं कि भाई ये कौन सा जनरेटर है। अब आगे चलते हैं, इसकी फील्ड होती है, संट फील्ड हमेशा आर्मेचर के समांतर क्रम में जोड़ते हैं। जैसे अपन ने पढ़ा था कि यदि किसी लोड के समान सिरे एक जगह जुड़े हुए हों और दूसरे विपरीत सिरे एक जगह जुड़े हुए हो, तो वो कौन सा क्रम कहलाता है? समांतर क्रम कहलाता है। तो संट जनरेटर की फील्ड को हमेशा आर्मेचर के समांतर क्रम में जोड़ते हैं। जैसे भाई टर्मिनल प्लेट पे अपने पास आ गए कि भाई ये चार टर्मिनल हैं, अब कौन कौन से हैं? जैसे अपन ने मालूम कर लिया ये A1 है, ये A2 है, ये E1 है, ये E2 है, तो इनको टर्मिनल को क्या करेंगे अपन? समांतर क्रम में जोड़ देंगे। फिर अपने यहाँ से दो तार जिस भी मशीन को अपन सप्लाई देनी है लोड यहाँ पर लगा देंगे। ठीक है, टर्मिनल का हो गया। अब अपन आगे चलते हैं, संट जनरेटर में क्या क्या इसके लक्षण होते हैं और आगे वो मैं बता देता हूं। संट फील्ड जैसे एक ग्राहक की नजरिए से अपन समझने की कोशिश करें, या अपन इसको कहते हैं VT टर्मिनल वोल्ट था, और इसको कहते हैं आर्मेचर करंट, सॉरी फील्ड करंट। तो वोल्टेज होते हैं, कल मैंने यह बताया था कि स्व उत्तेजित जनरेटर होता है उसके अंदर शेष बचा चुंबकत्व की मात्रा कुछ होती है, इस कारण से जैसे इसमें कुछ फ्लक्स तो पहले से ही पैदा हो जाता है, जैसे ही उनको ये आर्मेचर काटेगा फिर वो आर्मेचर में वोल्टेज बनेंगे, जैसे ही वोल्टेज बनेंगे दोनों समांतर क्रम में हैं, तो इसमें वोल्टेज जितने आर्मेचर में रहेंगे जितने इसमें चले जाएंगे, तो वोल्टता का मान हमेशा इन दोनों में समान रहेगा। तो हमेशा ग्राफ के नज़रिए से यदि अपने को समझना है कि ये ग्राफ बताइए टर्मिनल वोल्टता और फील्ड करंट का ये ग्राफ है और ये कौन से जनरेटर का, कई बार ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं, तो हमेशा संट जनरेटर का होगा वो ग्राफ नीचे वाले जो लाइफ F को अपन दर्शा रहे हैं उससे कुछ ऊपर से स्टार्ट होगा। कुछ ऊपर से इसलिए स्टार्ट होगा क्योंकि कुछ वोल्टेज ये शेष बचा चुंबकत्व से बनाता है। तो भाई ये वोल्टेज तो कुछ तो अपने पास बने हुए हैं, और जैसे जैसे अपन फील्ड करंट को बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे इसकी वोल्टता है वो बढ़ जाएगी। लेकिन आपने यदि बढ़ाते गए तो कुछ क्षमता होती है, जैसे जनरेटर 5 किलोवाट का है, 5 किलोवाट तक तो वो झुकेगा नहीं, जैसे ही 5 किलोवाट से इसका लोड ज़्यादा जाएगा वोल्टता का मान है वो कम होता जाएगा, क्योंकि इसकी करंट है वो बढ़ रही है। तो ये हो गया अपना ग्राफ। दूसरी चीज, यदि अपने वो सूत्र पूछ ले कि भाई इसमें आप बताइए कि आर्मेचर की धारा कितनी है, तो देखो वोल्टेज बना कहाँ से रहा। कुछ बंदे क्या होते हैं कि इसको मोटर समझ बैठते हैं और वोल्टेज देख लेते हैं, भाई इधर से अपन इसके अंदर वोल्टेज दे रहे हैं, जबकि अपन ने नियम में क्या पढ़ा था कि यदि किसी चुंबकीय क्षेत्र में
चालक को घुमाया जाए तो उसमें ईएमएफ पैदा हो जाता है। तो ईएमएफ कहाँ से हो रही है, फील्ड से हो रही है या आर्मेचर से? तो ईएमएफ वो कौन जनरेट कर रहा है, आर्मेचर कर रहा है, ठीक है। वोल्टेज कहाँ से निकल रही है, आर्मेचर से। यदि आर्मेचर की करंट पूछ ले तो करंट पैदा कहाँ से होकर निकल रही है, यहाँ से हो रही है। तो अपन यहाँ से जो करंट पैदा होगी वो यहाँ पर दो भागों में बट रही है, एक तो फील्ड में जा रही है और एक लोड के अंदर जा रही है। तो आई ए का सूत्र होगा आई एफ प्लस आई एन। ये सूत्र कई बार कई बंदे होते हैं जो गलत करके आ जाते हैं। तो हमेशा ध्यान रखना है आर्मेचर की करंट में शंट जनित्र के अंदर सूत्र लगेगा आई एफ मतलब फील्ड करंट और आई एल मतलब लोड करंट, दोनों का योग है वो। यदि आपको इसकी वोल्टेज पूछ ले कि आर्मेचर की वोल्टता बताए, तो इसका सिंपल सा सूत्र है आई ए अपॉन वी, वोल्टता में तो आई ए इंटू आर ए। यदि आर्मेचर फील्ड की अपने को वोल्टता पूछ ले तो उसमें क्या सूत्र लगेगा, आई ई इंटू आर ई, शंट फील्ड की प्रतिरोध। यदि अपने को टोटल वोल्टता पूछ ले कि टोटल वोल्टेज कितनी पैदा हो रही है इसमें, तो एक सूत्र तो ये बन जाएगा आई टी इंटू आर टी। तो चार सूत्र हो गए अपने पास। यदि शंट फील्ड की करंट पूछता है तो ओम के नियम से अपन उसकी करंट निकाल लेंगे, आई टी की मैंने यहाँ बता दिया है। जबकि सबसे जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है सूत्र वो ये वाला, इसका अधिकतर शंट जनरेटर में जनरेट पूछते हैं कि आई बराबर आर्मेचर धारा आपको निकालनी है तो कौन सा सूत्र आप इसमें लगाएंगे। अब अपन आगे चलते हैं कि शंट जनरेटर का उपयोग कहाँ पर लेते हैं, ये भाई सबसे महत्वपूर्ण है। तो शंट जनरेटर का सबसे पहला उपयोग है वो लेते हैं अपन इलेक्ट्रोप्लेटिंग में। नाम सुना होगा इलेक्ट्रोप्लेटिंग। नंबर दो बैटरी चार्जिंग में। बैटरी चार्जिंग में नंबर तीन, यदि बहुत सारी एक साथ बैटरी को अपन चार्ज कर रहे हैं तो उसमें भी शंट जनरेटर का अपन उपयोग करते हैं। तो एक साथ बहुत सारी और साधारण डीसी सप्लाई के लिए, साधारण डीसी सप्लाई जैसे लाइटिंग लोड है उसके लिए भी अपन शंट जनरेटर का उपयोग करते हैं। अब अपन दो नंबर में चलते हैं, दो नंबर स्व उत्तेजित जनित्र आता है श्रेणी जनित्र। तो सबसे पहले तो इसकी पहचान पढ़ लेते हैं भाई, पहचान क्या क्या होती है। तो इसकी जो फील्ड होती है वो पहली चीज तो कम टर्न होते हैं। यदि मशीन खुली हुई है तो अपन इसको कम टर्न के हिसाब से पहचानेंगे भाई ये कम टर्न है। दूसरा जो इसका तार होता है वो मोटा होता है, मतलब कम गेज का होता है। जैसे जो साइज होगी वो शंट फील्ड से कई गुना मोटी होगी। तो यदि आपको ये पूछ दे आया कोई एग्जामिनर बता भाई ये कौन सी मोटर है या सॉरी कौन सा जनरेटर है, शंट जनरेटर है या श्रेणी जनरेटर है, तो अपन उसको जाते क्या देखेंगे, उसके टर्मिनल के सिरे देखेंगे। यदि शुरू में तार जो वाइंडिंग के आ रहे हैं वो मोटे हैं तो इसका मतलब है कि भाई ये श्रेणी जनित्र है। यदि पतले होंगे तो मैंने पहले बता दिया शंट जनित्र होगा। तो दो तरीके से अपन इसको पहचान सकते हैं। यदि अपन को कहे भाई टेस्ट लैंप या मल्टीमीटर से पहचानो, मल्टीमीटर से यदि पहचान करवाएं तो इसका प्रतिरोध का जो मान होता है वो कम होता है, प्रतिरोध का मान है वो कम होता है। यदि टेस्ट लैंप के माध्यम से करेंगे तो इसका जो प्रकाश होगा बल्ब का वो आर्मेचर से तो कम होगा लेकिन कुछ सामान्य स्थिति से कम स्थिति में वो जलेगा। तो दो पहचान अपन टर्मिनल की कैसे पहचान करेंगे, एक तो इसका साइज है वो बड़ी, तार की साइज है वो मोटा रहता है, दूसरा फील्ड में टर्नों की संख्या
कम होती है, नंबर तीन प्रतिरोध का मान कम होता है, टेस्ट लैम्प है वो कम जलेगा। अब आगे का अपन इसको जोड़ते कैसे हैं, तो अपने पास जैसे मैं कह दूं भाई ये श्रेणी फील्ड की वाइंडिंग है और ये आर्मेचर की वाइंडिंग है। हमेशा श्रेणी फील्ड की जो वाइंडिंग होती है वो आर्मेचर वाइंडिंग के श्रेणी क्रम में जोड़ी जाती है, और इसको जो प्रदर्शित करते हैं आर्मेचर को तो हमेशा A1 A2 से प्रदर्शित करते हैं, जबकि सीरीज फील्ड को D1 D2 से प्रदर्शित करते हैं। और श्रेणी क्रम ये क्या कहता है अपने को, यदि दो प्रतिरोधों के एक समान सिरे एक जगह जुड़े होते हैं तो उसको श्रेणी क्रम कहते हैं। ठीक है भाई, अब तीसरी व्यवस्था एक क्वेश्चन उठ के आता है, जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि शंट फील्ड जनरेटर में तो सबसे ज्यादा न्यूमेरिकल का जो क्वेश्चन आता है वो आता है कि आप आर्मेचर की धारा बताइए, और इसमें क्या आता है देखिए, श्रेणी क्रम अपन ने पढ़ा था तब ये चीज पढ़ी थी कि श्रेणी में जितने भी प्रतिरोध लगे रहते हैं उनमें धारा का जो मान होता है वो क्या होता है, एक समान होता है। तो अपने वो ये भी कह सकता है कि आर्मेचर में 2 एम्पियर करंट बेरी है तो बताइए सीरीज फील्ड में क्या करंट है। तो अपन को फालतू की बातों पे सूत्रों पे ध्यान नहीं देना है, यदि ऐसा क्वेश्चन आए तो भाई इसमें 2 एम्पियर है तो इसमें भी 2 एम्पियर होगी, यदि वो कहते लोड में कितनी है तो लोड में भी 2 एम्पियर होगी। हमेशा जो भी चीज़ श्रेणी क्रम में जुड़ी रहेगी उसमें धारा का मान समान होता है, वोल्टेज का मान अलग अलग रहता है। जैसे कहते भाई ये मेरे को VT निकाल के दो, तो VT के लिए अपने को क्या क्या चाहिए, एक तो IT चाहिए टोटल, दूसरी चीज RT चाहिए। RT कैसे आएगा, दोनों का प्रतिरोध हमेशा श्रेणी क्रम में श्रेणी में जुड़ जाएगा, लोड लगा हुआ है तो लोड का प्रतिरोध भी जुड़ जाएगा। यदि यहां पर कहते हैं कि भाई RT निकालिए तो RT का सूत्र क्या होगा, R सीरीज फील्ड का प्लस R आर्मेचर का, दोनों का जुड़ के अपने पास RT आ जाएगा। यदि I निकालने के लिए अपन को कह दे कि IT निकालिए तो VT टोटल लग जाएगा, और RT में कौन कौन से अपने R आ रहे हैं, एक तो सीरीज फील्ड का R आ रहा है प्लस एक आर्मेचर का R आ रहा है, तो दोनों जुड़ के, या अपन इनको ये भी कह सकते हैं कि VT/RT। ठीक है, अब अपन इसका ग्राफ समझने की कोशिश करते हैं। IA लिख ले या IF लिख ले, तो देखो ये भी स्व उत्तेजित जनित्र ही है, तो इसमें भी शेष बचा चुंबक तो रहेगा, लेकिन यदि इस ग्राफ को अपन को पूछ ले कि IL को बताइए, IL और VT का अंतर बताइए, तो इस जनरेटर की सबसे बड़ी व्यवस्था यह है कि जब तक आप इस पर लोड नहीं जोड़ोगे तब तक इसके अंदर करंट है वो नहीं चलती है। कैसे, क्यों नहीं चलती है इसके अंदर करंट, यह भी चीज सबसे मेन है, क्योंकि संट जनित्र में आर्मेचर फील्ड और संट फील्ड समांतर क्रम में जुड़े हुए थे, जबकि इसमें कौन सी चीज में है, श्रेणी क्रम में। यदि अपन ने यहां से लोड नहीं जोड़ा तो यह कौन सा परिपथ हो गया, ओपन सर्किट हो गया, और ओपन सर्किट में अपन ने पढ़ा था कि करंट का मान होता है वो शून्य होता है। तो कभी कभार ये भी पूछ लेता है वो कि भाई इसका इतना रेजिस्टेंस है, इसमें इतनी करंट प्रतिरोध है, इसमें इतने वोल्टेज है, इसमें इतने हैं, तो करंट का मान बताओ, जबकि जनरेटर पर लोड है वो जीरो है, नो लोड है, यह भी कह सकता है नो लोड है तो करंट का मान बताओ, तो अपने को वहां पर करंट का मान बताना है 0 एम्पियर। क्यों हो गया 0 एम्पियर, क्योंकि इसके अंदर लोड का मान है वो नहीं जुड़ा हुआ है, और ये परिपथ है वो अभी इस स्थिति में ओपन है, तो इसका सिरा होता है वो यहीं से स्टार्ट होगा और सेम थोड़ा सा, जैसे ही आप निर्धारित प्रतिरोध मतलब जो भार है उससे ज्यादा बढ़ाओगे तो इसका सिरा हल्का सा झुक जाता है। जबकि इसमें क्या अंतर है,
कि जैसे जैसे आप लोड बताते जाओगे वैसे वैसे ही वोल्टेज बढ़ते जाएंगे, लेकिन निर्धारित वोल्टता पर आने के बाद यदि आप लोड लगाते हैं तो वो गिरने लग जाएगा। ये दोनों एक इसके ग्राफ है, ग्राफ से भी पूछ सकते हैं। दूसरा कि सीरीज फील्ड को अपन किससे प्रदर्शित करते हैं, D1 और D2 से। तीसरा इसका उपयोग कहां पर करते हैं, तो सीरीज जनरेटर का केवल एक ही जगह उपयोग करते हैं और वो करते हैं बूस्टर के रूप में। अब ये बूस्टर क्या होता है, बूस्टर होता है कि जैसे लंबी लंबी लाइनें अपने इंडिया में तो नहीं है लेकिन विदेशों में अधिकतर DC सप्लाई चलती है। मान लो 1 किलोमीटर लाइन लंबी है, 2 किलोमीटर लंबी लाइन है, तो DC वोल्टेज में अपन ने जैसे ही पढ़ा है कि भाई अधिकतम अपन इसमें 1100 वोल्ट पैदा कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें ट्रांसफार्मर तो अपन लगा नहीं सकते भाई कम ज़्यादा करने के लिए, तो यहाँ से क्या होता है कि निर्धारित सप्लाई देते हैं, क्योंकि घरेलू में अपने पास कितनी यूज में आती है, 220 वोल्ट आती है अधिकतर उपकरणों में। यदि यहाँ से अपन 220 देंगे और 1 किलोमीटर दूर भेजा, तो तार ये तो है नहीं कि भाई लाइट को खाते नहीं है, इनका रेजिस्टेंस भी होता है तारों का भी, तो वो क्या होता है आगे जाकर वोल्टेज का मान होता है वो कम हो जाता है। जबकि AC सप्लाई में ऐसी समस्या नहीं आती, क्योंकि AC में तो अपन जहाँ घर होते हैं या कृषि का कनेक्शन है वहाँ पर अपन क्या करते हैं, ट्रांसफार्मर का उपयोग करते हैं, लेकिन DC सप्लाई में अपन ट्रांसफार्मर का उपयोग कर नहीं सकते। यहाँ पर वोल्टेज का मान लो कि 200 हो गए। अब ये कहते हैं कि भाई मैं प्रतिरोध निकाल लूँ कि ये लाइन यहाँ से यहाँ तक की 20 वोल्ट खा रही है, यदि मैं ऐसा काम कर लूँ कि यहाँ से 240 वोल्ट दे दूँ तो यहाँ पर कितने पहुँच जाएगी, 220 चल जाएगी। इसलिए इस जनरेटर को क्या करते हैं, यहाँ पर सप्लाई में लगा देते हैं, और जो लंबी लाइनों का वोल्टेज बढ़ाने के लिए उपयोग में लेते हैं जनरेटर, उनको कहते हैं बूस्टर जनरेटर। तो सीरीज जनरेटर का उपयोग कहाँ पर आता है, बूस्टर के रूप में। या ये भी दे सकते हैं कि लंबी जो ट्रांसमिशन लाइनें होती हैं उनमें वोल्टेज बढ़ाने के लिए कौन सा जनरेटर का उपयोग लेते हैं, तो श्रेणी जनरेटर का उपयोग लेते हैं। अब नंबर 3 आता है यौगिक या मिश्रित जनरेटर। जिसको अंग्रेजी में कंपाउंड जनरेटर कहते हैं। अब इसको यौगिक का भी एक मतलब होता है और इसको कभी कभी मिश्रित जनरेटर भी कह देते हैं। अब भाई मिश्रित जनरेटर और यौगिक जनरेटर क्यों कहते हैं, क्योंकि इस जनरेटर में शंट फील्ड और श्रेणी फील्ड दोनों का ही अपन उपयोग में लेते हैं। मतलब इस जनरेटर में शंट फील्ड भी लगी रहती है और श्रेणी फील्ड भी लगी रहती है। यदि ये दो चीजों को यदि अपन मिलाते हैं तो क्या कहते हैं, उसको कंपाउंड कहते हैं, और हिंदी में क्या कहते हैं, यौगिक या मिश्रित कहते हैं। अब अपन आगे चलते हैं, कंपाउंड जनरेटर भी 4 प्रकार के होते हैं, या अपन यूं कह ले कि स्टैटिक में 2 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 आता है कम्युलेटिव यौगिक जनरेटर, और नंबर आता है 2 विभेदीय यौगिक जनरेटर, कम्युलेटिव और यौगिक। अब इनके दोनों के बारे में मैं थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम नहीं हो आगे समझने के लिए, इसलिए मैं ये बता देता हूँ कि कम्युलेटिव किसे कहते हैं और विभेदीय किसे कहते हैं। कम्युलेटिव का मतलब तो वो होता है कि जिसमें शंट फील्ड और श्रेणी फील्ड दोनों के गुण हैं वो अपने एक दूसरे के गुणों का सहयोग करते हैं। मतलब कम्युलेटिव जनरेटर वो जनरेटर होता है जिसमें शंट फील्ड या अपन यूँ कहते हैं कि श्रेणी फील्ड शंट फील्ड का सहयोग करती है या शंट फील्ड श्रेणी फील्ड का सहयोग करती है, तो उसे कहते हैं कम्युलेटिव। जबकि विभेदीय यौगिक उसे कहते हैं वह जनरेटर जिसमें श्रेणी फील्ड शंट फील्ड का विरोध करती है, इसलिए अपन इसका नाम रख दिया है विभेदीय यौगिक। मतलब इसमें तो विरोध करती है और इसमें
सहायता करती है। अब अपन थोड़ा सा कम्युलेटिव कंपाउंड को समझने की कोशिश करेंगे। कम्युलेटिव कंपाउंड होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। नंबर एक होता है शॉर्ट शंट, नंबर दो होता है लॉन्ग शंट। अब शॉर्ट शंट और लॉन्ग शंट को पहले चीज तो अपन चित्र से समझने की कोशिश करेंगे। जिस फील्ड में अधिक टर्न होंगे वो तो अपने हो जाएगी शंट फील्ड, आर्मेचर का ये सिंबल यही है। सबसे पहले अपन शॉर्ट का लेते हैं, ये अपना चित्र हो गया। अब इसमें अपन टर्मिनल दर्शा देते हैं भाई। ये तो A1 हो गया, ये आर्मेचर के दोनों सिरे, ये शंट फील्ड के दोनों सिरे, और ये हो गए अपने श्रेणी फील्ड के दोनों सिरे। अब शॉर्ट शंट और लॉन्ग शंट में क्या अंतर होता है? तो शॉर्ट शंट में अंतर ये होता है कि आर्मेचर हमेशा शंट फील्ड के समांतर क्रम में जुड़ा रहता है, और इन दोनों के श्रेणी फील्ड होती है वो श्रेणी क्रम में जुड़ी रहती है। यदि आर्मेचर केवल शंट फील्ड के ही समांतर क्रम में जुड़ा हुआ है तो उसको अपन कहते हैं शॉर्ट शंट। अब इधर मैं एक लॉन्ग शंट का चित्र बनाता हूं। अब अपन दोनों चित्रों को समझने की कोशिश करते हैं कि इसकी जो सीरीज फील्ड है वो क्या है। दोनों ये समांतर जुड़ने के बाद जुड़ रही है तो उसको लॉन्ग शंट के शॉर्ट शंट कहते हैं, जबकि यदि आर्मेचर और श्रेणी फील्ड दोनों के समांतर क्रम में यदि शंट फील्ड जुड़ी रहे तो उसको अपन लॉन्ग शंट कहते हैं। ये दोनों के अंदर चित्र होता है। इसमें क्या होता है, कम्युलेटिव कंपाउंड में लॉन्ग शंट हो चाहे शॉर्ट शंट हो, इन दोनों में जो सीरीज फील्ड होती है वो हमेशा शंट फील्ड का संयोग पैदा करती है, इसमें भी संयोग पैदा करती है। जबकि डिफरेंशियल कंपाउंड में क्या होता है वो मैं आपको बता देता हूँ विभेदीय यौगिक में। विभेदीय यौगिक इसमें भी दो प्रकार के होते हैं, एक तो होता है शॉर्ट शंट और एक होता है लॉन्ग शंट। अब शॉर्ट शंट और लॉन्ग शंट में विभेदीय में क्या अंतर होता है, वो केवल छोटा सा अंतर होता है। जैसे शॉर्ट शंट में अपन पहले समझने की कोशिश करते हैं, इसके जो सिरे होते हैं वो उल्टे रूप में जुड़े हुए रहते हैं। अब कोई कह दे भाई उल्टे जोड़ने से क्या फर्क पड़ता है, तो इसमें करंट बह रही है इस दिशा में तो इसमें बहेगी इस दिशा में, उल्टी बह रही है। यदि उल्टी बह रही है तो ये क्या करता है, इसके द्वारा जो फ्लक्स पैदा होता है उसका इस फील्ड के द्वारा उत्पन्न फ्लक्स विरोध करता है, इस कारण से इसको विभेदीय यौगिक कहते हैं। जबकि अपन इसमें समझने की कोशिश करेंगे तो ये आर्मेचर के जो दोनों सिरे होते हैं, आर्मेचर के जो दोनों सिरे होते हैं उनके विरोध में रहती है, फिर भी यहां पर ये क्या करती है, केवल इसमें तो क्या करती थी, इन दोनों का जो फ्लक्स पैदा हो रहा था उसमें बाधा डालती थी, लेकिन इसमें क्या करती है, ये केवल शंट फील्ड का विरोध करती है। तो
विभेदी और शंट में ये अंतर है कि इसके जो शंट सीरीज फील्ड होती है उसका डायरेक्शन होता है वो जस्ट उल्टा होता है कम्युलेटिव की बजाय, क्योंकि दोनों में करंट अलग दिशा में चलती है इसलिए इनका ईएमएफ भी अलग दिशा में होता है। डिफरेंशियल जो विभेदी यौगिक है इस जनरेटर का उपयोग हमेशा वेल्डिंग में, जो वेल्डिंग कार्य करते हैं उनमें, और अधिकतर आर्क लैंप को जलाने के लिए उपयोग में लेते हैं। इसमें विरोध करती है, कम्युलेटिव में सहायता प्रदान करती है।